निफ्टी के तो काफी शानदार खरीदारी आती हुई दिख रही है, और जिस 7,580 के ऊपर की क्लोजिंग चाहते थे किरण, जिसकी बात कर रहे थे, लगता है उसके काफी ऊपर ही आता हुआ दिखेगा। लेकिन किरण, बैंक निफ्टी में फिर क्या दिख रहा है? ये भी मुझे लग रहा है कि पिछले पांच सात दिनों की जो ट्रेडिंग रेंज है उसके हायर एंड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, 15,750 के पार। बिल्कुल अनिल जी, 15,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको हमने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस कर दिया है, और मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 15,920 का आता है, तो जब तक 15,500 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 15,920 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए अगले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में। 15,920 से 16,000 ये एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल से सप्लाई जोन है, वो निकल जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर निकल जाए तो वापस एक बार इस इंडेक्स में भी हमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, साथ ही किरण, अगर आप देखें जो स्टॉक्स बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं इस वक्त, जहां पे काफ़ी हद तक खरीदारी आई है, वॉल्यूम के साथ आई है, हमने टाटा स्टील पे नज़र डाली थी, लेकिन बॉश अगर आप देखें यहां पर करीब करीब 65% वॉल्यूम है कुल वॉल्यूम का, तो ऑन एवरेज वॉल्यूम कम है, इसलिए यहां भी वॉल्यूम कुछ हल्के होंगे, पर दिन के हाईस पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कॉल देंगे? नहीं, अच्छे वॉल्यूम से प्रदीप जी, अगर कंपेयर किया जाए पिछले 5-6 दिनों का वॉल्यूम, जब जहां से हम करीबन 21,000 से लेके 17,750 तक नीचे आए, वो गिरावट में जो वॉल्यूम्स थे उससे ज्यादा तो आज बाइंग वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा मानना है कि डिमांड ओवरपावरिंग सप्लाई का सिनेरियो इधर दिख रहा है, तो और टेक्निकली एक फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी खत्म हो चुकी है, जिसका 15,750 से लेके जो 21,000 की रैली आई थी फरवरी मार्च में, तो उसका जो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन है वो एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया है, और वापस एक बार एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इजिली हम ये 21,000 के लेवल्स क्रॉस करते आते दिनों में देखेंगे, और मेरे ख्याल से बहुत बुलिश काउंटर है ये अभी।